आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। सागरपाड़ा पर पुलिस की संयुक्त टीम ने 189.90 किलो अवैध गांजा पकड़ा, दो तस्कर गिरफ्तार। राज्य अपराध शाखा जयपुर को उड़ीसा से तस्करी में अवैध गांजा की खेप आने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी धौलपुर पुलिस को देने पर जिला पुलिस एवं राज्य अपराध शाखा ने अवैध मादक पदार्थों की खेप की धरपकड़ के लिए संयुक्त रणनीति बनाई, जिससे धौलपुर पुलिस को तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ में बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि सूचना मिली कि एक ट्रक मध्य प्रदेश की तरफ से गांजा भरकर आगरा की तरफ लाया जा रहा है। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर NH-3 स्थित सागरपाड़ा पर गांजे को बरामद करने व तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए नाकेबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश की तरफ से त्रिपाल से ढका हुआ ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम ने बैरिकेड लगाकर रुकवाया। ट्रक की बारीकी से तलाशी ली तो ट्रक में रखे कीटनाशक दवाई के कार्टून व कट्टों में 26 पैकेट में 189.90 किलो गांजा बरामद किया गया है। वह मौके से आरोपी मलखान पुत्र रामदयाल मीणा निवासी उमरे थाना सदर बाड़ी धौलपुर एवं अर्जुन मीणा पुत्र श्याम सिंह मीणा निवासी सुनकई थाना सरमथुरा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अवैध गांजा तस्करी के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। शराब के नशे में ताऊ ने की 2 वर्षीय बच्चे को जमीन पर पटक कर हत्या। शैपो उपखंड क्षेत्र के कैथरी गांव में शुक्रवार शाम को एक ताऊ ने शराब के नशे में अपने 2 वर्षीय मासूम की जमीन पर पटक कर निर्मम हत्या कर दी। कलयुगी ताऊ के द्वारा की गई अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या के बाद घर के अंदर संदूक के बगल में रजाई में छुपा कर रख दिया। परिजन बेटे की तलाश में घंटों तक इधर उधर तलाशते रहे। काफी समय बाद देर शाम को जब परिजनों को संदूक के बगल में रजाई में लिपटा हुआ मासूम का शव मिला तो उनके होश उड़ गए। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। परिजनों की ओर से घटना की सूचना सैंपू थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बालक का शव CHC की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक 2 वर्षीय मासूम अमित पुत्र दिलीप हरजन की मौत हुई है। मृतक मासूम के पिता दिलीप ने बताया कि उसका मासूम बेटा शाम के समय घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक शराब के नशे में धुत उसके सगे भाई बनवारी ने छोटे अमित को जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। आरोपी बनवारी के खिलाफ उसके भाई की ओर से बेटे की हत्या करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। हाँ, क्या करना भी है? बच्चा खेल लो द्वार के आगे, बच्चा खेलता बनवारी उठा लिया, गोदी में ले लिया, गोदी में लाकर जमीन में पटका, नीचे नीचे पटक के मार के रजाई के नीचे संदूक के बगल ही धर गया लबेड़ के। हाँ, ढूंढा तो फिर बच्चा माँ बच्चा कहाँ लेगी, गांव में ढूंढे 1-2 घंटे एक गांव में मिला नहीं, फिर घर में देखा भारी करी रजाई में नीचे मिला संदूक के बगल। तो आपका सगा भाई हो? हाँ, मेरा भैया है, बड़ा खास किसी घर में हमारे घर में। हाँ, तो नशे में था क्या? हाँ, नशा में था। शराब के नशे में मासूम को जमीन पर पटक कर हत्या करने वाला ताऊ गिरफ्तार। सैंपू थाना क्षेत्र के कैथरी गांव में ताऊ द्वारा जमीन पर पटक कर की गई 2 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या मामले में SP केसर सिंह शेखावत सख्त दिखे। SP के निर्देशन में सैंपू SHO मुनेश कुमार ने महज घंटों में आरोपी कलयुगी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बनवारी पुत्र बेताल हरजन को मासूम को शराब के नशे में जमीन पर पटक कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कल सैपो थाने में एक आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुआ था, जिसमें बनवारी नाम के व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने भतीजे को जमीन पर पटक के और उसकी हत्या कर दी। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद थाना पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया गया। बनवारी को चंद घंटों में ही दस्तियाब किया गया और उसको आज बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। बड़ा दर्द विदारक घटनाक्रम है और इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान करके अग्रिम कार्यवाही में ले जाए। नमस्कार दोस्तों,
अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहां होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5-स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5-स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर सवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। जयपुर में दिया धौलपुर सहित प्रदेश के मुस्लिम समाज के नेताओं ने धरना। धौलपुर सहित प्रदेश भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जयपुर में धरना दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुसलमानों को उनका हक देने की मांग की। धौलपुर विधानसभा के मुस्लिम समाज के नेता नसरुद्दीन खान एडवोकेट ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि हाल ही में प्रदेश में 6 नगर निगम में चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 में कांग्रेस का बोर्ड बना है। इनमें 2/3 मुसलमान पार्षद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी नगर निगम में मुसलमान को मेयर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक नियुक्तियों एवं प्रशासनिक नियुक्तियों में भी मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति रोष है। नसरुद्दीन ने बताया कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने स्वीकार किया कि पार्टी से चूक हुई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि वह मुस्लिम समाज की मांग से संगठन के उच्च अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री सहित सरकार को अवगत कराएंगे और भविष्य में मुसलमानों को उनका पूरा हक देते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काफी टाइम से व्याप्त है मुसलमानों के अंदर। आप देख रहे होंगे कि आज कोई भी चुनाव हो, पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, हर एक चुनाव में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 100% वोट कास्ट करता है कांग्रेस को। लेकिन जब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उन्हें भूल जाती है, उनको उनके हक और अधिकारों से वंचित रखती है। अभी हाल ही में आपने देखा राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अंदर 9 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें से किसी भी एक मुस्लिम विधायक को एक भी कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया, एक भी कोई प्रभावशाली डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। हाल ही में आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति हुई है, आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, आज भी चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं, डीजीपी बन रहे हैं। कहीं भी किसी भी राजनीतिक या किसी भी प्रशासनिक पद पर आप देखोगे कि कोई भी मुसलमान प्रतिनिधि को नहीं लाया गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में राजस्थान के 6 नगर निगमों के अंदर चुनाव हुए, जिसके अंदर जयपुर शहर, जोधपुर शहर और कोटा शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण तीनों जगह कांग्रेस का वोट बन रहा है। बाकी तीनों जगह कांग्रेस पे, ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पिछड़ रही है, उसके बावजूद भी तीनों में से किसी एक जगह भी कांग्रेस ने मुसलमान को मेयर नहीं बनाया। ये हर बार कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ छलावा कर रही है। मुसलमान इस रोष को काफी टाइम से दबाए हुए बैठा था। सेपो में बाइक की डिग्गी से 3.5 लाख रुपए पार। सेपो में एक बाइक की डिग्गी में रखी करीब 3.5 लाख की नकदी चोरी होने की वारदात हुई है। पीड़ित को जब घटना का पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। पीड़ित की ओर से थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई। तभी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। वह आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। जानकारी के मुताबिक नेमीचंद पुत्र रमेश मरैया निवासी शैपू के साथ वारदात हुई है। बताया गया है कि वह अपनी रिश्तेदारी के गांव शहरौली से रकम उधार लेकर आया था। जैसे ही वह बाजार में एक तगादा चुकाने के लिए 13,000 रुपये निकालकर दुकान के अंदर गया, तभी किसी सात्र माइंड ने बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी में रखा नोटों से भरा बैग पार कर दिया। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवन का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं।
फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम वैल्यू प्लस बिल्डिंग 132 केवी बिजली घर के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। जिले के सैपू उपखंड क्षेत्र के पूंठपुरा गांव में एक अधेड़ महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। सीएससी के डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल द्वारा महिला को मृत घोषित कर देने के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद परिजन बिना किसी पुलिस कार्रवाई चाहते हुए दाह संस्कार प्रक्रिया के लिए मृतका को घर ले गए। जानकारी के मुताबिक बिजली पत्नी जगमन कुशवा उम्र 50 वर्ष निवासी पूंठपुरा की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि सुबह के समय वह शौच के लिए खेतों की ओर गई थी, जहां वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उनकी मौत हुई है। धौलपुर शहर में दूसरे दिन भी शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुई पुलिस परीक्षा। धौलपुर शहर में आयोजित की जा रही पुलिस परीक्षा के दूसरे दिन भी आज सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। 3 दिनों तक होने वाली इस परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले छात्रों के लिए ठहरने व खाने के अलावा इन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने तक का जिम्मा खुद पुलिस उठा रही है। इसके लिए शहर में कई जगह पुलिस पूछताछ काउंटर भी खोले गए हैं। वहीं सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का जमावाड़ा भी देखने को मिला। वहीं जिला पुलिस की 3 परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में तैनाती की गई है। साथ ही अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत भी तीनों ही परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों से पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। SP केसर सिंह ने बताया कि जिले में 6, 7 और 8 नवंबर को होने वाली परीक्षा में कुल 9,360 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसमें आज की 2 पारियों में 3,120 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। वहीं परीक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर भी पुलिस की ओर से उड़न दस्तों के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया है। सैपो में केंद्र सरकार के किसान बिल का विरोध। 3,000 से अधिक किसानों ने किए हस्ताक्षर। धौलपुर जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैपो पर शनिवार को पार्टी के पदाधिकारी एवं नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए गिरीश चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि कांग्रेसी नेता सत्यप्रकाश शर्मा एवं महेश शर्मा रहे। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कानून लाया गया है, उसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी गिरीश चौधरी ने कहा कि समूचे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में राज्यसभा में किसानों के 3 काले कानून पारित किए हैं, जिससे देश का किसान एवं व्यापारी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा 3,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र जिले के प्रभारी चौधरी को सौंपे। उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के बिल के विरोध में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। काले कानून के विरोध में किसान स्वेच्छापूर्वक आगे आकर हस्ताक्षर अभियान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अभय प्रकाश शर्मा, सुभाष, रणवीर शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, सुवरण सिंह, वरुण, योगेंद्र परमार, राम अवतार, सोमवीर, रामदास आदि मौजूद रहे। सैपो के अध्यक्ष विनीत शर्मा जी की अगुवाई में जो किसान विरोधी बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, उसके खिलाफ में आम किसानों की जो सदस्यता अभियान के इस बिल का किसान विरोध करते हैं, वो सदस्यता अभियान कांग्रेस ने शुरू कराया और उसके लिए हमारे विनीत जी धन्यवाद के पात्र हैं। ब्लॉक के अध्यक्ष जिन्होंने करीब 3100 लोगों के सिग्नेचर किसानों के करा करके उस बिल का विरोध किया है। उस बिल के माध्यम से जो किसानों के साथ में केंद्र सरकार अन्याय करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि वादा करती थी कि किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे, लेकिन दोगुने करने की बजाय किसानों के साथ में जो कुठारापात की नीति जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस होना चाहिए। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष की 28वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित।
राजाखेड़ा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह की 28वीं पुण्यतिथि का आयोजन आज राजाखेड़ा विधानसभा की पूर्व विधायक एवं स्वर्गीय महेंद्र सिंह की धर्मपत्नी मनोरमा सिंह की कोठी पर किया गया, जिसमें कस्बे के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर वर्तमान पदाधिकारी गण एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष गणों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यकाल में नगरपालिका के विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही महेंद्र सिंह की कुशल कार्यकाल व कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए सभी लोगों ने नम आंखों से तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व विधायिका मनोरमा सिंह ने युवाओं को महेंद्र सिंह के पद चिन्ह पर चलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मनोरमा सिंह ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जिस तरह महेंद्र सिंह लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही युवाओं ने शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल भी वितरित किए। इस अवसर पर राजाखेड़ा भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय, कुंदन सिंह वकील, उदयवंश सिंह, नायला मंडल अध्यक्ष कुमार सिंह, शिवशंकर उदैनिया, अनूप तिवारी, कैलाश चार आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडी मिक्स, F325 रीको इंडस्ट्रीज एरिया धौलपुर, प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल, मोबाइल नंबर 9549891824। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। जी हाँ, वैल्यू प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मिलेंगे आपको सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। अगर आपको लेना है इस दिवाली एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीजें आपको आसान किश्तों पे उपलब्ध है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको ये सभी बड़ी रेंज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आसान किस्तों पे उपलब्ध है। 999 रुपये मात्र से हमारी ईएमआई चालू है। अगर फाइनेंस कराते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव 8,000 रुपये तक के कैश बाउचर्स, जो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस ऑफर का फायदा उठाना तो अभी आए वैल्यू प्लस शोरूम, बाड़ी रोड 132 KV, बिजली घर के सामने, धौलपुर। केशव प्रसाद कमठान बने कायस्थ महासभा धौलपुर के जिलाध्यक्ष। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप माथुर ने धौलपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी केशव प्रसाद कमठान को कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जिले के अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी केशव प्रसाद कमठान के जिलाध्यक्ष बनने पर पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, अयोध्या साय कमठान, कालीचरण श्रीवास्तव, डॉक्टर रामबाबू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। कैथरी सरपंच अजय कांत ने अग्नि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई राशन सामग्री। जिले के सैपू इलाके के सेमरा गांव में बीते दिन हुई आगजनी में तबाह हुए पीड़ित परिवारों को सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा के द्वारा राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को ओम प्रकाश, रमेश व गंभीर तीनों भाइयों के घरों में आग लगने से आशियाने खाक हो गए थे, तभी कैथरी ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने पीड़ित लोगों को राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि उपलब्ध कराए हैं। इस दौरान सखवारा सरपंच मुकेश रावत, सेपू सरपंच अर्जुन कुशवा, उमरारा सरपंच संदीप जाट, मुकेश लोधी, राज सिंह परमार कैथरी, वीरेंद्र परमार, विजय सिंह, पिंकू शर्मा आदि मौजूद रहे। पत्रकार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारत हिंदू महासभा राजाखेड़ा ने आज नगर अध्यक्ष रजत सिकरवार के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में रिपब्लिक भारत के चीफ इन एडिटर व वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की अमानवीय तरीके से की गई गिरफ्तारी तथा महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के शासन को कुशासन बताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। महासभा पदाधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह कड़ा प्रहार सहन नहीं किया जाएगा। रजत सिकरवार ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक यशपाल सिंह, उपाध्यक्ष हेमंत जादौन, कोषाध्यक्ष गोपाल उदैनिया, संगम जाट, भोला सेन, अंकुर मुदगल, विपिन सिकरवार, सूरज तोमर, भानु परिहार, जेपी सिंह, रामनरेश सिंह यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाइल्स के मामले में देश की नंबर वन कंपनी सिंपोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मन पसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मन पसंद टाइल्स। फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स। टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता। इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेशन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिंपोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपौ रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह परमार उर्फ कल्ला ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें, टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। दाबली में सरपंच मुनेश कौशल का किया स्वागत। जिले की बाड़ी पंचायत समिति इलाके की ग्राम पंचायत पेदावली के सरपंच मुनेश कौशल का ग्राम पेदावली एवं शैपू कस्बे में फूल माला पहनाकर तथा साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच मुनेश कौशल ने कहा कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने मुझे सरपंच बनाकर पंचायत की बागडोर मेरे हाथ में सौंपी है, उस भरोसे पर मैं पूरी तरह खरा उतरूंगा। सरपंच ने कहा कि गांव के बड़े बुजुर्ग एवं प्रबुद्ध लोगों की राय शुमारी से ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराऊंगा। साथ ही सरपंच ने सभी ग्रामवासियों का चुनाव में विजयश्री दिलाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर ऋषिकेश परिहार, अमरीश परिहार, लोकेंद्र परमार, सुखचंदी, राम भरोसी, राजेश कौशल, बच्चू सिंह सिकरवार, कुनकुटा सरपंच आदि मौजूद रहे। मथुरा की पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय में दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नहरौली थाना इलाके की महिला रानी देवी पत्नी प्रभु दयाल जाटव ने आज एसपी कार्यालय धौलपुर में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरमथुरा पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में नामदर्ज अपहरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रानी देवी जाटव की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ दबंग लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हथियारों के बल पर एक मैरिज होम में जबरदस्ती मेरी पुत्रियों से शादी कर ली, जिनमें एक बेटी नाबालिग है जिन्हें जबरन बंधक बनाकर रखा है। इसे लेकर सरमथुरा पुलिस थाना धौलपुर में 8 अक्टूबर 2020 को नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता रानी देवी ने बताया कि वह एसपी से मिलकर अपनी फरियाद बताने धौलपुर आई थी, लेकिन एसपी पुलिस परीक्षा में व्यस्त थे और वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे, इस कारण उनके अधीनस्थों को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दो पंडित है, धर्मेंद्र है, वो हमको लेवा गया है, इन पर जा मथुरा में जो लेवा ले गए हमको भैंक आएगी, चलो शादी करें हमारी लड़कियां वहाँ फंसाई नहीं जाएगी, फंसाई फिर हमको रात के 12 बजे मंदिर पहुँचे लेके, मंदिर में पहुँचे सवेरे करेगा 25 तारीख को तो भावने डाल दी। मैंने कि लड़का दे कराऊंगा, लड़का ऐसे ना दे कराऊंगा, फिर कहे कैसे ना, मैंने कि छोटी ले ली तुम्हें काम लाए काम जाती तो गोली चल जाएगी अगर तूने शादी नहीं करी। लली को भी सिर पार दे, हमें देकर नहीं दोगे कहीं। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053 9165741677। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर।
अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है, एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व थ्री व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं, एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान, धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।